राधे राधे दुगड़ी मैं गणेश बीज गंगुली आर्ट उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में। तो यार दुगड़िया के रे रोलर पा कल शाम कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग रानीखेत पहुँच चुके थे। उसके बाद मिसेज का थोड़ा सा आँखों का टेस्ट वगैरह कराना था। उसके बाद दबा के बारिश हो गई थी। अभी आप एक कल जो है हम बिल्कुल हाफ में आए थे, आज जैकेट वैकेट निकल चुकी, क्या ठंड हो रही है दुगड़िया और रानीखेत में। यहाँ पता ना चल रहा यार गर्मी का मौसम है सर्दी का। फिलहाल आ गए हैं हमारी धर्म पत्नी जी, आप दिख रही हो चश्मा वश्मा पहन के, कैसा जिता रहे हो? अब पूरा साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना? मेरी आंखें खराब है। तो आगे का ब्लॉग हम नहीं बना पाए थे क्योंकि हमारी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने आई सेंटर से अपनी आंखें चेक करवाई, उसके बाद चश्मा बनवाया। 2 घंटे के बाद हम आ गए हैं रानी झील घूमने के लिए। लोकेशन देख के तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग यहाँ से हमें कमेंट करके बोल रहे थे। एक बात बोलना, जब इसके हाथ में कैमरा रहता है ये मेरी तरफ लगाती ही नहीं है यार। लो लो लो। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग कमेंट कर रहे थे कि रानी झील नहीं गए, चूला देवी नहीं गए। तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हम कहीं नहीं घूम पाए। 2 घंटे तो हमें ऐसे ही हमें एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, हमने आँखें भी टेस्ट करवाई। उसके बाद हम आए हैं अभी रानी झील में। यहाँ पे वैसे मैं पहली बार आई हूँ तो मैं यहीं की, लेकिन आई हूँ पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब फिर से बारिश स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर में हम निकलते हैं घर की ओर। कैसा चिता रहे हो, तुम पहली बार आ रहे हो क्या यहाँ पे? मैं तो कई बार आ रहा, मैं तो रानी के कई बार रहा। अच्छा रौला रफ्फा बहुत हुआ मतलब यहाँ? ना इधर से आते थे हम लोग, हम दिन भर मतलब वहाँ पे जो वो नहीं है नर्सिंग ग्राउंड, दिन भर वहाँ पे बैठे रहने वाले ठहरे नीचे। उन दिनों कभी तीरंदाजी होती थी, कभी हैंडबॉल, वो एक गेम देखने वाले ठहरे बस। फिर शाम के टाइम आ जाऊँ, उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। ये आई लव रानीखेत यहाँ पे भी काफ़ी सारा बन चुका है आज। हाँ, बहुत सारा। लगभग कितने साल में आया हूँ मैं यहाँ, यहाँ पे दुकान वकान भी खोलने चाहिए ना, है नहीं ना, छोटे मोटे कर। तो दोस्तों प्रकृति के बीच में बसा छोटा सा झील कितना सुंदर लग रहा है, मैं तो पहली बार आई हूँ आज यहाँ। तो दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है और हम निकलते हैं रानीखेत की ओर। थोड़ी देर बाद हम चलते हैं घर की तरफ। चलो चलें। ये कह रहे हैं 2 कपल हैं उनको दिखावल, गलत बात है यार, ऐसे तुम भी तो आए होगे। कपल की बात नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पे फोटो, यहाँ पे तो हर जगह यही लिखा रहता है मेन आई लव नैनीताल, आई लव रानीखेत, आई लव ये, आई लव यू टू। तो दोस्तों निकलते हैं घर की तरफ, चलो। बूंदाबांदी शुरू होती है और धर्म पत्नी जी ने जो है अपना झोला पकड़ लिया है आज, इसने तगड़ी और रानीखेत से इतनी शॉपिंग कर ली है, लूट दिया है पूरा। अब घर एक और गोल्फ ग्राउंड की तरह, वो तो वहाँ है। चल वहीं चलते हैं पहले, टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं यहाँ भी। तो हम निकल पड़े हैं घर की ओर, बारिश भी बहुत तेज होने लग गई है अब, और यहाँ जो रोड है वो बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं रोड में। एक कैंट एरिया है और यहाँ की रोड की हालत बहुत बुरी है, जबकि इस पर अमल करना चाहिए सरकार को। ये हमारी छावनी परिषद है, यहाँ पर जो रोड है वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, ताकि लोगों को आसानी हो आने जाने में। ये क्वार्टर से है ना आर्मी वालों के, बारिश होने लगी। व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ का ना। अब आगे को तो रोड तो ठीक ही है, बस थोड़ा सा झील पर माल रोड को जा रहे हैं। देखो दोस्तों, तो हम निकल पड़े हैं घर की ओर। आए थे हम गगास होते हुए और अभी हम जा रहे हैं मछखाली के रास्ते। आपको भी ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे बीच बीच में कौन कौन सी गाँव पड़ते हैं। और इसी में इनका ट्रेनिंग एरिया है और इंटरनेशनल वाला। यहाँ की रोड बहुत अच्छी लगती है मुझे, एक दो बार आई हूँ मैं यहाँ से।
सफाई है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये गोल्फ ग्राउंड है नहीं, मुझे पता नहीं है, हाँ यही होगा फिर। दोस्तों यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है। एक ट्रेनिंग एरिया है शायद आर्मी वालों का। अभी हम आए हैं बुबू धाम में, यहाँ भी मैं पहली बार आ रही हूँ। जय हो भगवान, सबका भला करना। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर गए। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं मचखाली। जो जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उन सबको मैं उनका गांव दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा सा गांव है। मचखाली से भी बहुत लोग हमारी ब्लॉग देखते होंगे। और यहाँ आज सजा है, कुछ है यहाँ, स्वागत है लियोना मचखाली। पेट्रोल भराने के लिए और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डोल मेला लगा है। मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ ये मेला। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, रोड में पूरी जाम लगा है और बहुत सारे लोग आए हैं मेला देखने के लिए। मैंने भी अपना बैग रख दिया था यहाँ पर और हम निकल पड़े हैं मेला घूमने के लिए। ये मेला 9 दिन से लगा है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, इसे डोल मेला कहते हैं। तो हम भी घूमते हैं अब मेले में। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं आज काफ़ी टाइम बाद मेले में घूम रही हूँ। पहले मैं छोटी सी थी तब घूमा करती थी, और अभी यहाँ पे हमको बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं जिन्होंने ओका के साथ सेल्फी भी ली, और काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ। मज़ा आ गया आज मेले में। मेला तो यहाँ को जो हो रहा है बोल रहा हूँ। हाँ काफी लंबा मेला है ना ये।
हम निकल पड़े हैं घर की ओर। बहुत बड़ा मेला लगा था वहाँ पे, काफ़ी लंबा और काफ़ी भीड़ भी थी, तो हम भी 10-15 मिनट घूमे और अब निकल पड़े हैं घर की ओर। तो बहुत सारे लोग हमें दिखे वहाँ पे, काफ़ी लोग हल्ला भी कर रहे थे ओका ओका करके, बहुत मज़ा आया। मैं भी आज, वैसे मैं रुद्रपुर में अटरिया मेला में घूमती थी, वहाँ भी ऐसे ही मज़ा आता था। दोस्तों हम पहुँचे हैं कारी छीना में, ये रोड जाती है सोमेश्वर कौसानी को और हम निकल गए हैं रानीखेत वाली रोड पे, जो बगवाली पोखर पे मिलती है। तो अभी हम पहुँचे हैं कुवाली में और ये कुवाली की मेन मार्केट है। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं बबुना गांव में, यहाँ मेरी बुआ का ससुराल भी है ऊपर। अभी हम जाते हैं उनके वहाँ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और लेट भी हो रहा है घर जाने की तरफ। तो यहाँ से काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। दोस्तों मुझे यहाँ के ये छोटे छोटे पहाड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ से पैदल आती थी बगवाली पोखर से बुआ के घर तक इन पहाड़ों को देखने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना छोटे छोटे पहाड़। यहाँ भी बहुत खूबसूरत है इस पर भी पानी की समस्या है, लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं नाले में। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं बासुली सेरा में, ये बहुत ही सुंदर गांव है, जो खेत ही खेत, इतने सारे खेत। खेतों के ऊपर बसा छोटा सा गांव, बहुत ही प्यारा है। फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बगवाली पोखर, फिर से एक बार आपको घुमाती हूँ बगवाली पोखर में। अभी तक आपने देखा कि सारे गांव पहाड़ पहाड़ में थे, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे ढलान में। अब यहां से पूरा एरिया जो हमारे घर तक है वो प्लेन एरिया है, तराई भावर में आ गए हम फिर से। तो पहुंच गए हैं बगवाली पोखर के चौराहे में, हम गए थे इस रास्ते और आए इस रास्ते। दोस्तों अभी हम बगवाली पोखर चौराहे पर रुके हैं और मम्मी को खाने का मन हो रहा था चिकन, और हम ले रहे हैं यहाँ से चिकन, इनको लगा दिया है मैंने ड्यूटी पर। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पर, थक के हालत ख़राब हो गई है हमारी, जाते हैं घर, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या खा रहे हो? इन्होंने ले लिया चौकोबार।